हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, ओके आज हम एक्सरसाइज 1.2 का जो रिमेनिंग पोर्शन जो छोटा हुआ था एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2, ओके हम आज वो करेंगे। ओके तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, एम्प्टी सेट पढ़ा था, फाइनाइट और इनफिनाइट सेट पढ़ा था, और दूसरा था हमारे पास इक्वल सेट्स। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे पास एक स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो क्या है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। ओके तो अभी मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन इसके और हैं, वो इसके बाद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके हमको बताना है कि ये जो सेट लिखे हुए हैं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओके तो पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं एक बार। फाइनाइट किसे बोलते हैं, वो सेट जिसका जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिट में होता है, मतलब हमें जिसका हमें ये पता होता है कि किसी सेट का एंड हो रहा है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें पता होता है कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट किसे बोलते हैं, जिसमें ये नहीं पता होता कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ओके देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन इसका, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब लाइन का वो सेट जो एक्स एक्सिस के होगा पैरेलल। जैसे ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपकी क्या हुई, एक्स एक्सिस। तो हमें लाइन का वो सेट बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये बताना है कि क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो चेक करते हैं, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ हो गई, वैसे यहाँ पर भी ड्रॉ हो जाएंगी। तो हमें दिख रहा है कि हम जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। आप चेक करो, ठीक है, मैं यहाँ पर ये डॉट कर रहा हूँ, वो हमारी जो है लाइन है पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी एंडलेस लाइन ड्रॉ हो सकती है। ओके तो इस हिसाब से ये सेट क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, जिसका हमें पता नहीं है। तो ये सेट क्या हो गया आपका, इनफिनाइट सेट। ओके ये सेट हो गया हमारा इनफिनाइट सेट। ओके इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स कितने होते हैं, 26। फिक्स है ना। तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। ओके ये हमारा फाइनाइट सेट है। ओके थर्ड देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसा सेट जो 5 का मल्टीपल हो, मतलब 5 के टेबल में जो आता हो, ये भी क्या इनफिनाइट है। ओके ये भी क्या है, बहुत इनफिनाइट है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35, 40, बहुत सारे नंबर। तो ये है आपका इनफिनाइट। ये हमारा सेट कौन सा हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया। तो शुरू के 3 क्वेश्चन ये रहे, अभी और करते हैं। ओके तो अब बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ में रहने वाले जानवरों की का एक सेट। तो जानवर तो बहुत सारे रहेंगे ना। ओके तो ये भी क्या है, कोई गिनती हुई जानवरों की, बहुत सारे जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी काउंट होगा इसमें, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बहुत सारे। तो क्या है ये इनफिनाइट है। ओके इसको देख कर ही पता चल रहा है कि ये आपका इनफिनाइट सेट है, जिसमें नहीं पता होता कितने एलिमेंट होंगे, वो होगा आपका इनफिनाइट सेट। ठीक है, 5वां इसका, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब जैसे ये है आपका 2D ग्राफ है ना, 2D फिगर, और ये इसका ओरिजिन 0 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं ना। तो इस ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स बहुत सारे हो सकते हैं, एक ये हो गया, बहुत सारे सर्कल्स इस ओरिजिन से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया इनफिनाइट सेट, ये भी हमारा हो गया इनफिनाइट सेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना था कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा इनफिनाइट है। ओके ओके अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने इसके इंट्रो में ये पढ़ा था कि इक्वल सेट किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर हम पे 2 सेट हैं, सपोज सेट ए और सेट बी, अगर दोनों सेट में एलिमेंट सेम टू सेम है, ओके
एलिमेंट सेम टू सेम है और पैटर्न चाहे कुछ भी हो तो वो इक्वल सेट होते हैं, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे इन द फॉलोइंग इन सब में स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, मतलब सेट ए इक्वल टू सेट बी है या नहीं है। ओके तो चेक करते हैं, जैसे सेट ए ये रहा, इसमें इसके एलिमेंट्स ए बी सी डी, सेट बी ये रहा, इसके एलिमेंट बी सी डी ए। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ पर जो है जो एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट बी के भी हैं, है कि नहीं। लेकिन जो है बी के एलिमेंट का पैटर्न थोड़ा आगे पीछे है, तो उससे मतलब नहीं बनता सेट इक्वल है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी, ठीक है। सेकंड हमारा ए सेट है 4, 8, 12, 16, वहाँ देखो 4, 8, 16, 18, तो ये इक्वल सेट होंगे, नहीं। देखो इसमें इसमें आ रखा है 12, इसमें 12 नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट होने के लिए एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 है और इसमें 6 इसमें आ रखा है, इसमें 12 नहीं है मतलब, ठीक है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। अच्छा इसको देखते हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10 और बी के एलिमेंट हैं एक्स सेमी कॉलन, ये एक ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। एक्स सेमी कॉलन एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 10, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो x तो इवन नंबर होगा, पॉजिटिव में इवन नंबर होगा, लेकिन 10 के बराबर 10 से छोटा, तो मतलब क्या होगा, मतलब 2, 4, 6, 8 और 10 तो होगा, 10 के बराबर भी तो है, 10 से छोटा भी है, तो मैच करो, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, तो क्या मतलब हुआ, ये इक्वल सेट है, ठीक है। ओके एलिमेंट सेम वाले। अच्छा इसमें आ जाइए, एक्स सेमी कॉलन एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब जो 10 के पहाड़े में आते हैं, कौन कौन से आते हैं, 10, 20, 30, 40, ओके इसमें आ जाओ, सेट बी क्या बता रहा है, 10, 15। अब साहब देखो कि इसके एलिमेंट क्या है और इसके एलिमेंट में 15 आ रखा है, ओके और इसके एलिमेंट में कुछ तो एलिमेंट मैच कर रहे हैं, लेकिन सब करने चाहिए, इक्वल सेट होने के लिए एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, ओके कुछ कुछ है पर कुछ कुछ नहीं है, तो इसी वजह से ये इक्वल सेट नहीं होगा, नॉट अ इक्वल सेट, ठीक है। तो ये है इक्वल सेट के बारे में। ओके नाउ तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें हमें पढ़ते हैं इसे एक बार, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजन। ओके तो हमें बताना है कि जो हमें यहाँ पेयर दे रखा है, जैसे ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्या ये इक्वल सेट है, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ए के एलिमेंट कितने हैं, 2 और 3, और हमको इसका रीजन भी देना है कि इक्वल क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। सो एक ही होगा, अगर इक्वल होंगे तो एलिमेंट सेम होगा, और अगर इक्वल नहीं हुए तो एलिमेंट सेम नहीं होगा, बात खत्म, है ना। तो देखते हैं इसको, तो ए के एलिमेंट कितने हैं, 2, 3, और बी के लिए ये बी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ कह रहा है एक्स सेमी कॉलन एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6। अब हमको सिर्फ अगर इतना देखते हैं तो हमको आइडिया तो मिलेगा नहीं, है ना, तो क्या करते हैं इसको हम 0 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे रफ में। ओके ये सॉल्व होगा तुम्हारा, तो क्या होगा इसका, ये होगा आपका 3 + 2। ओके फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन वही तो है, 3x + 2x + 6 = 0, तो x कॉमन आ जाएगा, x + 3, यहाँ पर से आ जाएगा 2 कॉमन, तो 2x + 3 = 0, तो यहाँ पे होगा आपका x + 3 और x + 2 = 0, तो यहाँ हो गया x = -3 और -2। ओके तो यहाँ पर साफ देख लो कि यहाँ पर जो है 2, 3 है, और इसका मतलब क्या है कि जो x है वो इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि -3, -2, तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इसके एलिमेंट -2, -3 है और इसके एलिमेंट 2, 3 है, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। ओके अब इसकी बात करते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि सेट ए हमारे पास एक्स सेमी कॉलन एक्स इज अ लेटर इन अ वर्ड फॉलो, तो हम पहले ए को लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एफ ओ एल डब्ल्यू, पता है ना कि ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, लेकिन अरे किस फॉर्म में, टेबुलर, तो टेबुलर फॉर्म में कोई लेटर रिपीट नहीं करता। ओके
जैसे ओ आ गया था तो ओ दोबारा नहीं आएगा, एल दोबारा नहीं आएगा, ओके। ये तो हुआ सेट ए। अब बनाते हैं सेट बी के बारे में। वाई सेमी कॉलन वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, वुल्फ इसे बनाते हैं, तो डब्ल्यू ओ एल एफ। अब ये देखो कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में है, देखो एफ तो है ना, ओ भी है, एल भी है और डब्ल्यू भी है, यानी कि ये सेट इसके इक्वल है, सेट ए इक्वल टू सेट बी, ओके, क्योंकि एलिमेंट दोनों के सेम है। इसका रीजन क्या होगा, एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसका रीजन क्या होगा कि एलिमेंट आर सेम, एलिमेंट इसका क्या होगा, एलिमेंट आर नॉट सेम, इसका एलिमेंट्स आर सेम, ओके। तो एक्सरसाइज 1.2 का अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम द सेट्स, ओके, ये सब सेट्स हैं गिवन हियर, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो हमें पता करना है कि कौन किसके इक्वल है ना, तो देखते हैं पहले। तो सेट ए किसके इक्वल होगा, 2, 4, 8, 12 ये तो नहीं होगा, 2, 4, 12, 14 इसके भी नहीं होगा, 3, 1, 4, 2 नहीं होगा, -1, -1, 0, a, 1 देखो ये सेट ई इक्वल टू सेट जी, क्योंकि सेट ई के एलिमेंट -1, 1 और सेट जी के 1, -1। तो पैटर्न चाहे एलिमेंट का कुछ भी हो, एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि सेट ई इक्वल टू सेट जी है ना, एक तो ये हो गया। और देखते हैं जरा और कुछ हो रहा है इसमें, और कुछ हो रहा है, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 सेट बी और सेट डी के एलिमेंट सेम हो रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ इसका दूसरा, सेट बी इक्वल टू सेट डी, ये भी एलिमेंट सेम, तो ये भी इक्वल होंगे आपके। और तो शायद नहीं हो रहा है क्योंकि 0, 1 और 0, a, 4, a, 12, 14 नहीं और नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो फिलहाल ये दोनों ही हैं और एक्सरसाइज 1.2 खत्म। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही सेट इक्वल थे, बी था डी के इक्वल और जी था ई के इक्वल, ठीक है, तो ये हो गया। और जिसको समझना है वो इंट्रो पार्ट जरूर देख लेना, ठीक है।